समदा घाट से चोरी छुपे अवैध पत्थर उत्खनन की मिल रही सूचना को लेकर उपायुक्त राम निवास यादव ने बीते रात मुफस्सिल थाना अंतर्गत समदा घाट पर छापेमारी की, जहां उपायुक्त ने बताया कि पत्थर का भंडारण अवैध रूप से करनावों में लौट किया जा रहा है। वही 7 नाव को अवैध खनन कार्य में लिप्त पाए जाने पर पकड़ा एवं उन्हें जब्त किया गया, जिससे 7 नाव, 4 व्यक्ति, 1 पाइप सेट आदि पकड़े गए। साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। झारखंड से सर बिहार भेजा जाता है सर चिप्स को, सर उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी सर? ये विभिन्न सूत्रों से, स्रोतों से हमको ये सूचना प्राप्त हुई थी बार बार कि कुछ व्यक्ति जो है नया नया घाट बनाकर और वहाँ पर चिप्स का डंप करके और उसको फिर रात्रिकालीन में नाव में डालकर इधर झारखंड से बिहार या बंगाल दूसरी तरफ उसका परिचालन करता है और उसको फिर इलीगल मार्केट में वहाँ पे बेचता है। इसी के तहत हम लोगों ने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स की जो टीम है उनको समय समय पर ये आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि समय समय पर आप अकस्मात जाके जाँच कीजिए, चेक कीजिए, रेड कीजिए, जो पकड़ में आता है उनका नाव, क्योंकि इसमें साफ साफ है माइनिंग एक्ट में कि जो जो आइटम, चाहे वो नाव हो चाहे व्यक्ति हो, जो भी इलीगल माइनिंग में संलिप्त है वो सबको आइटम को सीज कर आदमी को गिरफ्तार। सर कल भी ऐसा कुछ हुआ है सर? कल रात को हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि समदा राणा के आसपास कुछ लोग जो है ट्रक से चिप्स जो है अनलोड कर रहा है और नाव में, उसमें नाव में डालने का तैयारी किया जा रहा है। तो मैंने टीम भेजी थी तो टीम ने कुछ लोगों को पकड़ा है, कुछ आदमी पकड़ में आए हैं। हालांकि ट्रक कल नहीं पकड़ पाए लोग, पर नाव पकड़ में आई है जो वहाँ खड़ी थी और उनमें वो डंप करते हुए व्यक्ति पाए, उन लोगों को पकड़ा गया है। जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया है उन लोगों के साथ नामजद FIR किया गया है, अब पुलिस के द्वारा इसमें आगे कार्रवाई की। उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में कल रात 10:30 बजे हम लोगों ने समदा घाट पर छापामारी किया है। ये बार बार गुप्त सूचना मिल रही थी कि नाव के द्वारा पत्थर का प्रेषण राज्य से बाहर भी कर दिया जा रहा है। इसी दरमियान वहाँ पे हम लोगों ने 7 नाव को जब्त किया और 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किए। उसके साथ साथ वहाँ पे बैटरी, मोटर पंप, 10,000 CFT स्टोन चिप्स और कुछ डीजल जो उसमें प्रयुक्त होने वाले थे उनको भी हम लोगों ने जब्त किया है। और जब्त करते हुए सभी वहाँ पे जो इस कार्य में संलिप्त थे करीब 12 व्यक्ति अन्य, उन्हें नामित करते हुए मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।